यहाँ पे अगर काम स्टार्ट होगा ना फिर से तो उसके बाद बताएंगे। इस बार काम स्टार्ट होगा तो इस बार गाड़ी हो जाएगा और आदमी हो जाएगा। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों की पुनर्वास नहीं कर रहे थे, उससे पहले मशीन मत चलाइए, लोगों के घर मत तोड़िए। ऐसे रहेंगे, आधा जान लेके ही रहेंगे ना। आश्वासन देने के लिए सिर्फ पैसा करके गया था का, पैसे ना देने के लिए गया था कि यहाँ से अगर हम लोग बना रहे हैं तो इस जगह हम लोग कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ गया आखिर में भी? अभी का ही प्रोजेक्ट है, अभी बताइए, अभी का प्रोजेक्ट है सब। जब नहीं हुआ था तो वहाँ पे वो बिजली ऑफिस है, वहाँ पे उद्घाटन हुआ था, आपको भी याद होगा। घर बना के नहीं देते तब तक यहाँ से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी शनिवार को रांची के धुरवा स्मार्ट सिटी पहुंचे। बाबूलाल ने यहां आदिवासी छात्रा सुहानी सांगा समेत परिसर में उजाड़े गए घर के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले इन्हें पुनर्वास करने की जरूरत थी, फिर हटाना चाहिए था। बाबूलाल ने रांची उपायुक्त को दो टूक कहा कि जब तक पुनर्वास नहीं होगा तब तक काम रोका जाए। उन्होंने डीसी को फोन कर कहा कि वह सरकार तक उनकी बात पहुंचाए। मरांडी ने कहा कि जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। अरे हम आश्वासन क्या दे सकते हैं, हम तो आकर के देखे और हमने उन लोगों को इतने ही कहा कि आप लोगों के साथ है इस लड़ाई में, आपके हक और हुकूक को दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और फिर यहीं से हमने उपायुक्त को भी टेलीफोन करके कहा कि भाई आप जब तक जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों की पुनर्वास नहीं कर रहे थे, उससे पहले मशीन मत चलाइए, लोगों के घर मत तोड़िए। स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है लेकिन ये लोग झोपड़ी में रह। अरे यार कोई भी सिटी बनाओ लेकिन जो लोग पहले रह रहे हैं, जिसकी पूर्वजों ने एच ई सी को ज़मीन दिया पहले, उनको तो आप पुनर्वास करेंगे। अब 56 में लोग गलती किया और 2002 में भी फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, क्या मतलब है? बोलते हैं मोजा लटमा है लोग बताया, और गांव इसको ब्रेक फिल मोसा टोली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो परिवार लोग रहते थे, एक सोमा संगा के परिवार, एक डेविड एंड के। सोमा संगा के परिवार के 4 सदस्य हैं, डेविड यान के भी 4 मैंने 4 है, 2 भाई हैं और 2 माता पिता हैं। लेकिन इन लोगों का घर कल प्रशासन ने तोड़ करके बिल्कुल दामिदोज कर दिया। देखिए प्लास्टिक लोगों ने लगा करके महिलाएं कैसे रहती होगी, ये कल्पना कर सकते। फिर मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई आप सब लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हैं? बताया कि इन्हें उनके पुरखों की ये ज़मीन है। एच ई सी के लिए भी उस समय जो बिहार सरकार ने जब एक्वायर किया था तो इन्हीं लोगों से ज़मीन एक्वायर किया, और आज इन लोगों के पास कहीं भी कोई दूसरी जगह ज़मीन नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई ज़मीन होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी कठिन स्थिति में यहाँ लोग नहीं रहते। जो भी साधन संपन्न होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, ज़मीन होता है, इससे अच्छे जगहों में लोग आ जा कर के लोग बसते हैं। लेकिन आज भी ये लोग इस जंगल झाड़ में यूं ही लोग पड़े हुए, इसका मतलब देख के ही लगता है कि निहायत ही गरीब लोग। किसी प्रकार से लोग बाल बच्चे को मजदूरी करके पाल पोस रहे हैं, पढ़ा कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी होंगे ये तो देख करके दर्द होता है, तकलीफ होता है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि प्रकृति ने भी पहले धरती को बनाया, तब इस धरती में जीवों को उन्होंने उत्पत्ति की, ताकि उनके भोजन की, उसकी रहने की सारी व्यवस्था हो सके। भाई सरकार अगर स्मार्ट सिटी बना रहा है हमें उसके कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं पहले उनको तो बढ़िया से बसा लेते। जैसे किनारे में इस टोला में कितना बताया कि 17 परिवार है, 17 ही घर अभी भी है। वो लोग सेस साइड में जो दक्षिण साइड में दिख रहा है झोपड़ी, वो लोग भी सब यहीं के। उन लोगों को भी डर है कि लोग अभी मकान दुकान तोड़ देंगे। एक कुआं भी यहाँ पूरा तरह से धंस दिया, दूसरा कुआं बचा हुआ जिसमें काम करने वाला मजदूर भी उसी कुआं से पानी ले रहा है, उसको भी फंसा देगा। तो ये लोग तो मैंने जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं ना चूहा को जैसे भगाया जाता है कि उसके बिल में पानी डाल करके उसको निकाला जाता है, तो यहाँ तो कि आदमी के घर को तोड़ दो जहाँ उनके पानी उनी पीने का है उसको भी है। तो आप बताओ महिला कहाँ जाती होगी शौचालय बाकी करने के लिए, क्या स्थिति होगी सर?
तो इसलिए अभी आप सबके सामने ही मैंने डीसी से बात किया है। वो तो बोले हैं कि अभी काम नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे अगर काम स्टार्ट होगा ना फिर से तो उसके बाद बताएंगे। इस बार काम स्टार्ट होगा तो इस बार गाड़ी हो जाएगा और आदमी हो जाएगा। तो काम तो फिर से स्टार्ट होंगे बाबूलाल मरांडी के जाने के बाद? वो काम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो लेके जा रहा है अपना सामान। हाँ तो कल किसी को रहम थोड़ी ना आता है, अपने लोगों तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना, इसीलिए हम बोलना चाहेंगे कि आप भी आदिवासी हैं, एक आदिवासी का दर्द समझिए और आपको भी पता चलेगा कि आप भी यही आदिवासी का एक छोटा सा घर से आप निकल के उतना दूर गए हैं, तो आपको भी थोड़ा सा समझ होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ मतलब कार्य यहाँ पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बोल के। अभी कोई नेता होता नहीं आया है, पहले आया था वो, खत्म हो चुकी है। कैसे रहेंगे, आधा जान लेके ही रहेंगे ना। तो मच्छर का यहाँ पे इतना सारा हंगामा हुआ है तो मच्छर भी डर गया होगा शायद। कल तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे, इतना गुस्सा में थे ना कि हमको खुद नहीं पता था कि हम क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। और किसी का भी घर टूटेगा तो ये भी देखिए, अब ये ना बोल के गया कि काम नहीं करना है, अभी वही हो रहा है, तब उसमें क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे सब काम वम अपने करेगा और हम लोग को भगाएगा यहाँ से कम भगा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग को कहीं पे जगह तो दीजिए। आप ही लोग का घर में जा कर रहेंगे तो आप लोग रखेंगे, नहीं ना रखेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को जगह ज़मीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ाई करते हैं जाने के बाद कितना परेशानी, बहुत परेशानी होता है, तो हम कॉलेज भी नहीं गए हैं। सरकार से हम कुछ नहीं मांग करते हैं, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हम लोग का जितना भी गांव परिवार है यहीं पे, हम लोग को यहीं पे दिया, हम लोग को अगर यहाँ पे अगर आप लोग नहीं है रख रहे हैं तो हम लोग को ऐसा नहीं कि एकदम जंगल घाट में दे दिया जाए, हमको रांची में ही कोई ऐसा जगह दिया जाए जहाँ पे पूरा गांव बस सके और सबको गलते घर बनाने के लिए ज़मीन और मुआवजा अलग से देना पड़ेगा सबको। ठीक है, टोटल घर था यहाँ यहाँ पे टोटल घर 17 वही बोल सकते हैं, पहले था घर बट यही सब पूरा मतलब आते जाते रहता था तो उसके डर से कोई कोई लोग चल भी गया पर हम लोग नहीं गए, क्योंकि हिम्मत क्यों हारे, हम लोग का ज़मीन है, हम लोग क्यों जाएंगे। पहले से कोई नोटिस वोटिस मिला था क्या? पहले एक बार नोटिस मिला था, उस समय इसका पूरा विरोध किए थे, शुरू बार जब ये हादसा हुआ था उस समय पूरा विरोध हम लोग किए थे, उस समय हम लोग को आश्वासन दिया गया, उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। अभी इस बार भी आश्वासन से हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग को घर देना पड़ेगा आप लोग को। 17 घर था तो और बाकी लोग कहाँ हैं? और बाकी लोग नीचे है, घर है लोग का भी। हाँ नीचे वो कितना घर कल तोड़ा गया? दो ही घर तोड़ा गया है, अभी दो घर तोड़ा गया है, कल परसों नीचे साइड भी जाएगा। क्या नाम आपका? सुहानी। बाबूलाल मरांडी तो आश्वासन दे के चल गए हैं, अभी फिलहाल देखते हैं कितना उसमें ये करता है, कर पाता है सरकार से अनुरोध कि वो तो जब तक यहाँ कुछ घर बना के नहीं देता तब तक यहाँ से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर कल तो चला, फिर भी आप लोग नहीं रोक पाए तो आज भी चलेगा तो क्या आप लोग कर पाएंगे? हम लोग तो ऐसे रोक नहीं पाएंगे, कल तो फोर्स था इसीलिए रोक नहीं पाए, तो कोई दूसरा फोर्स नहीं लेके आता तो रोक लेते हम लोग। रात बड़ी मुश्किल से बीती है, मच्छर काट के हम तो सोए थे मात्र 1 घंटा आसपास, अब यहीं पर सोए थे बैठे बैठे सुबह कर दिए। और क्या अभी आश्वासन कुछ घर द्वार कहीं मिलेगा? तो अब उम्मीद तो बाबूलाल मरांडी जैसा कर दिया तो उम्मीद तो करना चाहिए, फिलहाल तो अब घर द्वार मिलता है कि नहीं मिलता है तो आने वाला पीढ़ी आप बताए। हेमंत सरन का ही बोलेंगे जब आदिवासी सरकार होगा हम लोग को सही डिसीजन में जो ज़मीन दिया, जिसने ज़मीन दिया उसी को बेघर करने के लिए भी आदिवासी सरकार तुला हुआ है, ये सबको थोड़ा सा घृणा लगता है कि हम लोग आदिवासी सरकार उतने अच्छे नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।